After order of my loving mentor, Mr. Salman sir, I come here before you and thought it's better to come here because the order is big than the rest had. That's why you all pray. May Allah offer me confidence and courage to speak right and correct and make us follower of the right things. Today we are listening the voice of human rights from the every corner of the world. Everyone has same complaint with each other. Why don't you give my rights? And the parents have complaint against their children. Why don't they obey them? Like these children have complaint against parents. Why don't they give their rights? And the PM has a complaint against his public. And public also has complaint against their prime minister. If you want to get your rights, so you have only one way. You must obey and worship of Allah. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, those who don't say thanks to people, they don't say thanks to Allah. The word of Allah is very beautiful and most divine word on our tongues that has unconditional love and sympathy for their child. The word of Allah is completed by most hard work with the beauty of love and most various specialties. When the mother puts her feet on earth, so heaven is found under her feet. The sky said about mother that she has largeness and goodness than me. The earth said about mother that you can find flowers in the dust of mother's feet. Allah said about mother that mother is a big gift and most reward for the world. Assalamu alaikum and a very good morning to one and all. मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपसे हिंदी में बात करूं, तो कोशिश तो रहेगी यही. इतने साल इंग्लैंड में रहने के बाद हिंदी उर्दू से हमारा थोड़ी कमज़ोर हो गई है, काफ़ी कमज़ोर हो गई है. दोबारा से शायद सीखने की ज़रूरत है, लेकिन उम्मीद है आप सब लोग उसको नज़रअंदाज करेंगे अगर कोई मुझसे गलती हो जाए. पहले तो मैं आप लोगों को अपने अपनाए हुए मुल्क बरतानिया के महारानी का सलाम पेश करता हूँ और मौलाना हजरत राशिद साहब, मौलाना हजरत राशिद अरशद साहब, मौलाना अमजद साहब, मौलाना असद साहब और नॉट द लीस्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट द पर्सन हु मेड इट पॉसिबल, लेकिन हमारे बहुत चहेते दोस्त, हमारे छोटे भाई सलमान सर, इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये मौका मुझे फरमान किया कि मैं इस मुकद्दस मौके पे, इस मुकद्दस जगह पे आप जैसे प्यारे बच्चों लोगों के साथ कुछ वक्त जुड़ने का मौका मिला. आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप इतने दूर दूर शहरों से आके या गांवों से आके इस अच्छे मुकद्दस तालीमी इदारे पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं.
सबको ये नहीं हासिल होता है, बहुत लोगों को बहुत मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ती है तब उन्हें कहीं ऐसी जगह मिलती है। मेरे बारे में आपको सलमान सर ने बताया ब्रीफली कि क्या है। मैं शायद ये आपने ये नहीं सोचा होगा कि आज तक की जो दूरियां जो ऊंचाई में चढ़ पाया हूँ सब अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है लोगों की दुआएं और मेहनत और मुशक्कत से मिली है। मैं जब 2 साल का था तो मेरे वालिद साहब गुजर गए थे और 3.5 साल का था तो वालदा गुजर गई थी। मेरा बचपन जो है कैंप, क्या कहते हैं हिंदी में उर्दू में, रेफ्यूजी कैंप, जहाँ लवारिस लोग को रखा जाता है, वहाँ मेरी मेरा बचपना गुजरा। और वहाँ से फिर मैं आज जहाँ हूँ ये सब अल्लाह ताला की रहमत है, और जैसा कहा लोगों की दुआएं हैं साथ में, और जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं लोगों की यही दरख्वास्त करता हूँ कि अपने कम से कम अपने दुआओं में याद रखें, ताकि पता नहीं कब किसकी बात अल्लाह ताला किसकी दुआ सुन लेते। तो अगर मैं ऐसे मुकाम से जहाँ पे ना माँ बाप का मेरे ऊपर हाथ था और एक बहुत ही अजीब सी हालात में बचपन गुजरा, उसके आगे भी मुशक्कत करनी पड़ी, और वहाँ से आज जहाँ पहुँचा हूँ तो आप लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे अगर मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पे बैठे हुए आप में से हर कोई वो मंजिल हासिल कर सकता है जो आप मंजिल अपने लिए तय करेंगे, आप उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे अगर आप उसके लिए पूरी तरह से कमिटेड हों, पूरी तरह से आप मेहनत करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे चलें और सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए मेहनत करें, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाबी से रोक सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब खुर्शीद आलम साहब उनका जामिया में इस्तकबाल करता हूँ। उन्होंने मौका निकाला और यहाँ तक तशरीफ़ लाए और बड़ी कीमती बातें उन्होंने हमें बताई हैं। मैं अज़ीज़ तलबा से गुजारिश करूँगा कि इन बातों को नसीहत समझकर अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब को तौफीक नसीब फरमाए। हमारे साथी सलमान भाई आए थे और उन्होंने एक बात रखी थी तो हमने बड़ी खुशी के साथ उसको कबूल किया, और खुशकिस्मती समझते हैं कि उन्होंने एक राह हमको दिखाई है। मैंने मौलाना अज़ीज़ साहब से भी मशवरा किया है कि आप हजरात के लिए दीगर ज़बानों में भी ऐसे माहिरीन का इंतज़ाम हम करें। अगर आप हजरात ने शौक़ दिखाया, जैसे इस मरतबा शौक़ दिखाया है, तो अल्लाह ने चाहा तो दीगर ज़बानों के माहिरीन को भी हम बुलाएंगे और आप हजरात के लिए इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे।
یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جو تمنائیں دل میں تھی، جو طریقہ کار تھا، جو باتیں تھیں، وہ سب چیزیں رہ گئی. اس لیے کہ جس موقع پر جس چیز کی ضرورت تھی میں ہاسپٹل میں ہوتا تھا، باتیں ہی نہیں ہو پائی، منصوبہ نہیں بن پایا. اس مرتبہ تھوڑی کمزوری رہی. اللہ کرے کہ آئندہ بھرپور موقع ملے تو انشاءاللہ جو بھی خدمت ہو سکتی ہے، جو کام ہو سکتا ہے، وہ ضرور کریں گے. یہ ایک تعلیم گاہ ہے. ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، سارے ہنر اللہ نے پیدا کیے ہیں. آدمی کو کبھی کسی چیز سے بھاگنا نہیں چاہیے، ہر چیز کو نعمت سمجھ کر حاصل کرنا چاہیے. آپ حضرات نے شوق کا مظاہرہ کیا، اللہ کرے کہ پھر دوبارہ سے سلمان بھائی آئیں، پھر آپ کو موقع ملے اور آگے کی ترقیات آپ حاصل کریں، اور اللہ آپ سب کے لیے سفر کو آسان بنائے. میں نے خواہشات کے ساتھ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں. آپ سب حضرات کو نیک خواہشات پیش کرتا ہوں اور اچھی امیدیں وابستہ کرتا ہوں. وآخر